जिला परामर्शी तंबाकू इकाई गुमला के द्वारा प्रखंड मुख्यालय के कई दुकानों में गुटखा तंबाकू की छापेमारी शुक्रवार को की गई, जहां जिला परामर्शी पदाधिकारी वंदना होरो ने कहा कि एसडीओ सर के निर्देशानुसार आज घाघरा में तंबाकू को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां कुल 1000 का जुर्माना काटा गया और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले बार से गुटखा या किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ बेचे जाने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी दल में घाघरा बीडीओ विष्णुदेव कश्यप भी शामिल थे। इस दौरान बीडीओ ने दुकानदारों को समझाया कि अगर आप इस तरह के चोरी छिपे तंबाकू पदार्थ का बिक्री करते हैं तो आने वाली अपनी पीढ़ी ही इसकी गिरफ्त में आ जाएगी और समाज को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जिला स्तरीय टीम है जिसमें एसडीओ सर के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया था। हमारे घाघरा में हमारे बीडीओ सर और एसआई सर के द्वारा नेतृत्व किया गया और उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर ये रेड किए हैं कोटपा एक्ट 2003 और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। इसके तहत कितना अभी तक कोटपा एक्ट के तहत करीब 1000 जुर्माना की वसूली की गई और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।